सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिसमें एक प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। मौजूदा समय में इस योजना का लाभ एक बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान इस योजना से जुड़े और नए जुड़ने वाले लाभार्थियों के लिए एक बड़ी घोषणा की, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस योजना से कई नए लाभार्थी जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वित्त मंत्री ने क्या ऐलान किया है, तो आप इस बारे में जान सकते हैं। आपको बता दूं कि दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन जारी है और सरकार अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बना चुकी है। वहीं उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि योजना के तहत और नए 2 करोड़ घरों का अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। आपको बता दूं कि मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाएंगे। आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को आकार, क्षमता, कौशल और नियमित ढांचे के लिहाज से तैयार करेगी। सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिक संसाधन कुशल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। आपको बता दूं कि सरकार किराए के मकानों, झुग्गियों, चौलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले निवासी की सहायता के लिए योजना शुरू करेगी। इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने किफ़ायती आवास पर जोर दिया है। सरकार ने किफ़ायती आवास खरीदारी पर आयकर पर बोझ कम करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न योजनाओं और कटौती शुरू की है। टैक्स कटौती के अलावा सरकार ने सभी के लिए घर अभियान के तहत PMAY योजना भी शुरू की है। इस योजना के विभिन्न श्रेणियों के घर खरीदारों को 2.67 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज पर एक तय सब्सिडी प्रदान की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह LIG, मध्यम आय समूह और मध्यम आय समूह 2 इस योजना के पात्र हैं। किन लोगों को मिल सकता है लाभ? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, पहला, दूसरा है जिसकी उम्र 18 साल से उससे ज़्यादा हो, और तीसरा जो लोग गरीब या मध्य वर्ग से आते हो, चौथा जिन लोगों के पास अपना खुद का पक्का मकान नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूँ कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है, आपके परिवार में कोई सरकारी वर्कर है, आपको आपका पहले से कहीं पक्का मकान या फिर आप करदाता यदि, तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। आपको बता दूं कि इन दस्तावेज़ों की होती है ज़रूरत। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप पात्र हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए कुछ दस्तावेज चाहिए। तो इसमें कौन कौन से शामिल है, तो आपको बता दूं कि आधार कार्ड पहला, दूसरा है वोटर आईडी कार्ड, तीसरा है पैन कार्ड और चौथा है जाति प्रमाण पत्र, पाँचवा है आय प्रमाण पत्र और छठा है आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, और सातवां है राशन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेंगे। आपको